आपको बता दें, सपना चौधरी की माँ नीलम ने खुलासा किया है कि उनकी बेटी की शादी बीते साल दिसंबर में बॉयफ्रेंड वीर साहू से हो गई थी। उनकी ये शादी संत महात्माओं की मौजूदगी में हुई थी और उनकी शादी का समारोह काफी साधारण था। ये समारोह 15 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के बलिया के आयोजित किया गया था। वीर साहू के साथ सपना चौधरी यहाँ एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। यहीं पर संत महात्माओं के सामने उन्होंने वीर साहू से सांकेतिक शादी कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, तो ठोक लाइक अगर आप भी सपना चौधरी को पसंद करते हो तो। दोस्तों उन्हें संत बद्री विशाल ने आशीर्वाद भी दिया था। बद्री विशाल के अनुसार सपना सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं बल्कि एक आम आदमी की तरह ही आई थी। यहाँ उन्होंने वीर साहू के साथ वैवाहिक संबंध को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की तो वैदिक प्रभात फाउंडेशन के कार्यालय में एक सादे आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। यही उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर वैदिक रीति रिवाज के साथ अपने जीवन साथी का संकल्प बना लिया। बद्री विशाल के अनुसार सपना चौधरी की शादी के केवल उनके मैनेजर और कुछ करीबी तथा फाउंडेशन के कुछ सदस्य ही मौजूद थे। यहाँ से लौटने के बाद दोनों ने जनवरी 2020 में कोर्ट मैरिज भी की लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं कर पाए क्योंकि इसी दौरान वीर के फूफा जी का निधन हो गया था। अब इस मामले को लेकर कहने में कोई परेशानी नहीं है कि उन्होंने दिसंबर में ही शादी कर ली थी। आपको बता दें कि रविवार को सपना चौधरी ने बेटे को जन्म दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें उड़ने लगी कि उन्होंने शादी से पहले ही बेटे को जन्म दिया है। ऐसे में हिसार निवासी सपना चौधरी के पति वीर साहू ने मंगलवार को फेसबुक लाइव के जरिए खुद इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने पहले ही शादी कर ली थी। उनके निजी सहायक दिल्ली के वरिष्ठ टीवी रिपोर्टर चरण सिंह सहरावत ने भी इस बात की पुष्टि की है। तो दोस्तों अगर आप भी सपना चौधरी की शादी से खुश हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ये लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।